ये शॉर्ट स्टोरी मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की है, कैसे मैं अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ बट अपने हेल्थ को मेंटेन करने में अनसक्सेसफुल। सो लास्ट ईयर मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आ गई। पहले कॉलेज जाते टाइम घर से पैसे लेते थे और अब देने की बारी आ गई थी। सो यहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड यू नो, जब आप स्ट्रगल करते हैं, किसी बिजनेस पर काम करते हैं, आपके लिए दिन और रात एक हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता किस टाइम दिन हो रहा है किस टाइम रात हो रहा है। और ये मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपना बिजनेस करूं, मैं अपनी कंपनी का बॉस बनूं, मैं अपने लिए काम करूं। एंड काम करना, अपने लिए कुछ बिजनेस करना मेरा पैशन था। और जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं और काम करते हैं तो आप दिन और रात भूल जाते हैं। तो इसी तरह मैं सब कुछ भूल गया था कि दिन क्या हो रहा है, रात क्या हो रही है, बस दिन रात काम कर रहा हूं। और उसकी वजह से मैं बिजनेस में थोड़ा सा तो सक्सेस आनी शुरू हो गई थी बट मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बिल्कुल भूल चुका था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। जैसे कि रात रात भर ना सोना, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम होना उसकी वजह से स्ट्रेस की प्रॉब्लम, वेट के इश्यूज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता ही है मुझे बाल रखना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे स्ट्रेस और इन सब की वजह से हेयर फॉल और डैंड्रफ का इश्यू होने लग गया था, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। सर पर सब जगह पर इचिंग, शोल्डर के ऊपर सब जगह पर डैंड्रफ ही डैंड्रफ, जो कि बहुत ज्यादा एंबैरेसिंग लगता है। एंड देन आई रियलाइज कि बिजनेस लाइफ में सक्सेसफुल होना मैटर नहीं करता अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। अगर आपके पास हेल्थ भी है और उसके साथ साथ वेल्थ भी है तो ही आप सक्सेसफुल है, वरना आप सक्सेसफुल नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू defend myself with all these problems by adopting healthy lifestyle, और उसके बाद से regular workout, and dandruff को permanently खत्म करने के लिए healthy eating habits, जिसके अंदर no junk food, और मेरे doctor ने recommend किया है मुझे omega 3 और multivitamins, जिसकी वजह से मेरे dandruff के issues solve होने लग जाएं, and नानी की recipe से बना हुआ hair mask once in a week। अगर आपको भी hair mask बनाना सीखना है तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए चाहिए आपको 3 teaspoon curd, बोले तो दही, 3 spoon lemon juice, एंड 2 स्पून स्पेशल हेयर ऑयल, जिसने मेरी हेयर ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प की है। और अगर आपको भी हेयर ऑयल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, तो मैं ट्राई करता हूँ आपके पास तक ये हेयर ऑयल पहुंचाने के लिए। बट फिलहाल के लिए आप कोई भी मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, तो 2 चम्मच आपके पास जो भी ऑयल है वो यूज कर लें। और उसके बाद इसको मिक्स करके स्कैल्प पर प्रॉपर तरीके से 15 मिनट तक के लिए मसाज करें। एंड 15 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने सर के ऊपर शावर कैप लगा लें और 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दें। एंड इतने आपने अपने सर के ऊपर शावर कैप लगा रखी है तो इतने आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद 15 मिनट हो जाएंगे, तो 15 मिनट बाद आ जाता है हमारा हेयर वॉश का टाइम। एंड हेयर वॉश के लिए स्पेशली डिजाइंड द मैन कंपनी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि स्पेशली डिजाइंड किया है आपके डैंड्रफ को परमानेंटली खत्म करने के लिए। इसके अंदर है एप्पल साइडर विनेगर एंड नीम एक्सट्रैक्ट्स, जो आपके डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देंगे। और ये साथ ही साथ में सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, जिसकी वजह से आपके हेयर के अंदर ड्राइनेस और आपके हेयर खराब भी नहीं होंगे। एंड 2 मिनट प्रॉपर तरीके से अपने हेयर को क्लीन करने के बाद आ जाता है हमारा कंडीशनर का टाइम। और कंडीशनर के लिए आप कोई भी अच्छे वाला कंडीशनर जो आपके हेयर को सूट करता है आप वो यूज कर सकते हैं। और कंडीशनर करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखना कि कंडीशनर को आप ज्यादातर ट्राई करें कि आप अपने स्कैल्प पर मत लगाएं, आप सिर्फ अपने हेयर के पोर्शन पर लगाएं, स्कैल्प पर मत लगाएं। मे बी कुछ कंडीशनर्स के अंदर ऐसे पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके शायद स्कैल्प को सूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर पर डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए आप ट्राई करें आपके स्कैल्प के ऊपर कंडीशनर नहीं लगे। एंड देन 2 मिनट कंडीशनर को ऐसे ही रहने दें एंड उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लें। और उसके बाद अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप एंटी हेयर फॉल सीरम यूज कर सकते हैं। ये 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर फेनुग्रीक
सीड्स जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके स्कैल्प के अंदर जितना भी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो रही होती है उसको ये खत्म करता है और आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। और हाँ, अगर आपको इस डिफेंस थ्योरी का कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और असद के बनटाई के लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो 20% डिस्काउंट तुम्हारे भाई की तरफ से। और यही सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद मेरा दिन पर दिन डैंड्रफ खत्म होने लग गया और अब सर के ऊपर कोई भी इचिंग की प्रॉब्लम नहीं, और जो शोल्डर्स के ऊपर डैंड्रफ सब जगह पर, कहीं पर भी मैं मीटिंग में हूँ, कहीं पर पार्टी में, कहीं पर फंक्शन पर, घर पर जो कपड़ों के ऊपर डैंड्रफ अलग से दिखता था, अब वो एम्बेरसमेंट खत्म। सो ये थी मेरी एंटरप्रेन्योर लाइफ और डैंड्रफ की स्टोरी। अगर आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी यही सब स्टेप्स फॉलो करना तो आपकी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उन सबके लिंक मैं ट्राई करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने की, तो आप वहां पर जाकर इन सब प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब कर देना, और जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, बी योर ओन डिफेंडर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।